हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनकी क्या थॉट्स थी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकेंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, स्प्रेड योर विंग्स नंबर टू, सीक नंबर नाइन, इट्स बेसिकली अ हर्मिट कार्ड, एंड नंबर नाइन अगेन, नाइन एंड नाइन, रेस्ट एंड रिकंसिडर, फोर ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज टू ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज फोर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है जनाब। वेल, विथ डबल नाइन, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नाइन, नंबर नाइन से रिलेटेड है, वो तो ये कि एक फेज आपके पर्सन की लाइफ में बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंट्रोल। ठीक है, नंबर एट कंट्रोल, एम्परर तो नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड है बेसिकली। ठीक है, आपके पर्सन किसी सीरियस चीज़ से मूव ऑन करने का डिसीजन कह लें, 8899, बस कुछ ही, आप समझ लीजिए कि कुछ है मामलात जिनको बस कंप्लीट ही होना है। स्ट्रगल चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, काफ़ी ठीक ठाक किस्म की, और पास्ट के डेज में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत फ्री स्पिरिट लाइफ गुजारी हो इन्होंने, इनको कभी भी इतना टाइम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का नहीं मिला जितना कि अब मिला हुआ है। इतना टाइम मिल गया है कि इनको अब बहुत ज़्यादा, एक तो होता है ना कि इंसान पुरानी यादों में चला जाता है, पुराने वक्त में चला जाता है, इनको अब वो वाली बातें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लगी हैं जिनको इन्होंने उस वक्त इसलिए छोड़ दिया कि जैसे इन बातों की क्या अहमियत है, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो ये वक्त के बहाव में छोड़ते चले गए, वो अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए, वो नज़र आ रही हैं और वो इनको महसूस हो रही हैं। इनको वो लग रहा है कि जैसे ये तन्हाई वाली ज़िंदगी, ये अकेलापन, ये उन तमाम चीज़ों को मेरे सामने किस तरीके से लेकर आ रहा है, और इनको हर एक हिस्सा अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है। अपने बहुत सारे फ़ैसलों को भी ये रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने उस सिचुएशन में क्या फ़ैसला किया था, मैंने उस इंसान के लिए क्या फ़ैसला किया था, मैंने उसको ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, और इन तमाम चीज़ों से इनको अपने ही लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज इनको मिल रही है। इनको अपने फ़ैसलों से बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है, इनको अपने ही बातों से बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है, और ये दरअसल हमेशा से पहले इन्होंने कोशिश की कि जो कुदरती तौर पर जिनके साथ ज़िंदगी अनफोल्ड हो रही है, ये उसको एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज़ पहले ये बहुत सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक लेते रहे हैं, और अब बिल्कुल ऐसे ये बैठे हुए हैं कि जितना मैंने रिसीव किया, नाउ आई वांट मोर। तो हो सकता है आपके पर्सन ने लिटरली योगा स्टार्ट की हो, इनको किसी ने ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक बताई हो, इनहेल एक्सहेल करके इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई हो, और जिस परेशानी से और जिस डाउन मोमेंट से ये गुजर रहे हैं, इनको लिटरली बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, डिप्रेसिव सी इनकी फीलिंग्स हो रही हों, और इनको लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा एक वर्कहॉलिक इंसान को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए, मतलब अब मैंने रेस्ट भी कर लिया, बहुत वक्त भी गुजार लिया, बहुत सारी चीज़ों को रिकंसिडर भी कर लिया,
अब ये सारे फेजेस मुझ पर मिस पे कंप्लीट हो गए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दे लिटरली वॉन्ट टू, ये जो चीज़ें इनको इमोशनली विड्रॉल करती हैं, जो चीज़ें इनको इमोशनल ट्रॉमा देने लगती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये उन सब चीज़ों को याद ना करें। अकेलापन जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पुराने वक्तों में ले जाता है, क्योंकि इनके पास एम्पल टाइम है, ये उन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में नहीं बिजी हैं जिस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इनका रेगुलर रूटीन होता था, मसरूफ़ रहते थे, काम पे जाते थे, काम से वापस आते थे, उसके बाद भी इंगेजमेंट्स काम के सिलसिले में रहती थी, और ये बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस होती है वो ये कि दुनिया भर में सबकी नज़रें इनके ऊपर हैं, ये कहीं पर भी चले जाएँ तो कहीं ना कहीं कोई इनको चेक करता रहता है, कोई इनकी मूवमेंट्स देखता रहता है, कोई इनका स्पाय है, इनके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं, और ये अपना भेस भी बदले हुए हैं। इन्होंने लिटरली ऐसा किया हुआ है कि नया देश जैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस वाली बात, कि लेकिन बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई काम इस तरह का हो, ये सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं और लिटरली पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कि पॉलिटिक्स में रहते हुए इनको जो है वो कोई ऐसी बुलिंग हो रही हो पार्टीज़ के चक्कर में, वॉलंटरली जो इनका काम होता था उस चक्कर में, लेकिन एक एक्सेसिव जिसे कहना चाहिए ना इनका ये हो गया है, और अब इनकी कंट्रोल से बाहर हो रहा है बिकॉज़ ये थकने लगे हैं, एग्जॉस्ट होने लगे हैं। तो कल रात आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा दोबारा से उन्हीं बातों को सोचना है जिन चीज़ों को ये पास्ट में भुला चुके हैं, वही तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इनफ हुआ, एक्सरसाइज भी कर ली, मेडिटेट भी कर लिया, रिफ्लेक्ट भी कर लिया, हर तरह की थेरेपी भी कर ली, सब कुछ कर ली, बट अब मुझे कुछ और चाहिए, अब मुझे इस चीज़ से निकलना है। तो ये कल आपके पर्सन के रात की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रेंथ दो दफा आया है यहाँ पर, नंबर 8888888, तो दैट मींस कि अबंडेंस तो है। जितनी बहादुरी आपके पर्सन के अंदर है अब वो समझ लीजिए उन्होंने उतनी कंज्यूम कर ली, हिम्मत जो है वो अब ख़त्म होती, अब जवाब दे रही है इनकी किसी मामले को लेकर। बिकॉज़ होता है ना, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, अरे तुमसे तो हो जाएगा, अरे तुम नहीं कर सक रहे, तुम तो इतने स्ट्रांग हो, ये बोल बोल के पर्सन जो है वो बेचारा स्ट्रेंथ लूज़ ही करने लगता है। द चैरियट, यस लीडर स्ट्रांग, इनको चीखने का दिल चाह रहा है, शोर करने का दिल चाह रहा है, ये लिटरली अपने लिए जो फैसला कर रहे हैं उसका ये अलग ऐलान करना चाहते हैं, ये लिटरली चीख के बताना चाहते हैं, बस जल्दी से बताना चाहते हैं कि बस ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब बस यही होगा। लेकिन हिम्मत है जो कि छुट रही है, डिसीजन इन्होंने बिल्कुल लिया है और ये बहुत तेज़ी से उस डिसीजन की तरफ जा भी रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। चॉइसेस यकीनन हेल्दी है, एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, इनको ये भी फिक्र हो रही होगी, या आजकल कोई हर्बल टी या कोई ख़ास कैफीन या टीन, कोई ख़ास चीज़, कोई ऐसी मसाला चाय वगैरह जो होती है उसके बहुत एडिक्ट हो गए होंगे, या किसी ने इनको कहा होगा, वेट लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होंगे, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब इनकी तबीयत संभल गई है और अब सब चीज़ें सेटल हो गई हैं, तो हर चीज़ ही मैंने करके देख ली, अब मैं और करूँ तो क्या करूँ, मुझे और ऐसा क्या करना चाहिए जो रूटीन से हटकर हो, जो डिफरेंट हो, जो मुझे मसरूफ़ रखे, जो मुझे अच्छा फील कराए। लेकिन कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बहुत स्लो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और स्पेशली इनका जो है वो अकेलापन जो है ना, हर जगह ही अपने लिए सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट में हैं और आप इनको जानते हैं तो ये हर चीज़ अकेली ही कर रहे हैं। तो कल रात भी इनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा होगा अकेलेपन का, कि सब काम ये वो काम भी कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं किए। कार्ड्स फ्लिप हो के गिर रहे हैं, 10 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड किंग ऑफ Swords। ऑलराइट, इनको किसी ने डिच किया है,
और एस ऑफ वॉन्ड्स। जब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो की हैं ना, इन रिफ्लेक्ट की हैं इस हर्मिट कार्ड में, तो इनको ये भी चीज़ याद आती है कि इन्होंने आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। जो इनका आपके साथ ट्रीटमेंट रहा है ना, वो इनके दिल पर एक बोझ है, और जब ये कभी सोचने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं, तो इनको वो बात बहुत स्ट्रांगली याद आती है। इनको अपना रूड होना, अपना इतना कट थ्रॉट हो जाना, इतना प्रैक्टिकल माइंडेड हो जाना, इतना हार्श हो जाना, जो है ना, इनको याद आता है। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि ये आपके साथ जो है वो एक नया स्टार्ट लें, आपको ऑफ़र करें, क्योंकि ये सिर्फ सोच की हद तक है। और कल रात आपके पर्सन को शायद बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा होगा कि आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो या आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद करें, या ये अपने फ़ादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फ़ादर हयात हों या नहीं हयात हों, लेकिन एक कोई मेल डोमिनेंट एनर्जी जो है वो ज़रूर आपके पर्सन की रात कल रात की थॉट्स में रही है। या तो ये खुद ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बेसिकली हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, लेकिन इनको बिहेव ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि हर इंसान ही इनको एक बहुत स्ट्रांग पर्सन समझता है, और ये यही चीज़ चीख चीख के सबको बताना चाहते हैं कि कमज़ोर भी पड़ सकता है इंसान, टूट भी सकता है, हालात सही भी नहीं रहते। और जिस तरह के धोखे इनको मिले हैं या इन्होंने जिसके साथ कभी ज़्यादती की, वो चीज़ इनको हॉन्ट कर रही है। ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जब ये अपने लिए एक मी टाइम निकालते हैं, तो उसमें शायद बेस्ट पार्ट यही होता है कि ये आपको याद कर लें। उनको अपनी की भी गलती भी बहुत शिद्दत से याद आती है, और फिर ये उस वक्त कितने रूड हो गए थे, कितने हार्श हो गए थे, कि इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अगर कोई इंसान इनके पास से छुट रहा है तो उन्होंने छुटने दिया। और अब इनको कभी कभी बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि मैं अगर कोई नई बिगनिंग करना चाहूँ, तो मेरा जो पूरा दायरा है, ये पूरे मेज़ की तरह, मैं किस कौन सा रास्ता अपनाऊँ, मैं क्या ऑफ़र करूँ, मेरे साथ क्या होगा, ये मुझे क्या जवाब मिलेगा, मुझे रिस्पांस क्या मिलेगा, क्या मेरी हाँ में हाँ होगी, या मेरे साथ सवालात होंगे। तो ये अपनी जगह पर उस चीज़ को, अपने आइडिया को, अपनी चाह को, अपनी ख्वाहिश को, अपने डिज़ायर को अपने पास ही रखे ले जाते हैं, जबकि इनको बहुत पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस बात का यकीन है कि अगर ये आपको याद कर रहे हैं और अगर ये आपकी तरफ बढ़ें, तो शायद इसी तरीके से सारे मौसम जो है ना, सारी चीज़ें इसी तरीके से ब्लॉसम होंगी जैसे इस कार्ड में नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, हालात को सोच रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अफेक्ट हो रही हैं। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं, शायद ये हर चीज़ का ही जो है वो ले लेते हैं, क्या नाम है, ज़िम्मेदारी, और लिटरली इनको ये चीज़ हॉन्ट कर रही है। मतलब मुझे पहले ये थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन अब ये इनको हॉन्ट कर रही है। ये इन्होंने ज़िद में आके आपको अपना फैमिली पार्टनर नहीं बनाया, इन्होंने लिटरली आपको हर्ट किया। और जब कभी भी ये अपनी ज़िद के खोल को उतारते हैं, तो इनको ये या बात याद आती है कि इन्होंने आपको कैसा हर्ट किया था। आप भी बड़े डिफरेंट से पर्सन हैं कि आप इतना ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद भी अपने पर्सन के लिए अवेलेबल हैं, और आप इनको सोचते हैं, क्योंकि जब आपके जहन में ये माइंड में बात आती है कि कल रात की क्या फीलिंग्स थी, या क्या सोच रहे थे, क्या होता, तो डेफिनेटली ये आपका खुद का भी वाइस वर्सा मूड होता है, ये आपकी भी वाइस वर्सा एनर्जी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सन की बताते बताते आपकी खुद की एनर्जी से भी मैच करती है। तो आपने अगर ये एक ज़िद का खोल अपनाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली इस वजह से, क्योंकि आप हर्ट हैं और इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। और अगर आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बोझ लग रहा है इस वक्त इनको, इनको अपना इस वक्त जो ये रोल प्ले कर रहे हैं वो इनको एक बर्डन लग रहा है, लेकिन वो किसी पे जाहिर कर नहीं सकते, बिकॉज हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पर्सन, बहुत ही सख्त मिजाज, और ये चीज़ इनको बार बार याद आती है कि ये सारी बुनियादें बहुत सारे लोगों का दिल दुखाने पर खड़ी हुई हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों में एक आप भी हैं। तो आपके पर्सन कल रात जब कभी भी लेट नाइट थॉट्स इनकी होती हैं, तो इनको पास्ट बहुत हॉन्ट कर रहा है, पास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत मिल रहा है, अकेला वक्त जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जब वो वक्त मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और कनेक्ट कर रहे हैं, अपने फ़ैसलों को याद करते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को सोचते हैं, आपके होने ना होने को सोचते हैं, सही मायनों में अपनी जो दिल की बात है उसको सामने रखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों को अपने पास से हटाना चाहते हैं,
दोबारा से ये फ्री स्पिरिट लाइफ जीना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ये कल रात की तमाम सोचों में सारा जो है वो पूरा कंक्लूजन जो है वो ये निकला है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और डिटेल रीडिंग लेनी हो तो भी मैं अवेलेबल हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।